Next emergency medical case is about the stroke. Stroke, you know that क्या होता है कि जब भी brain का जो vascular supply होता है, it is compromised. It results in the cerebral dysfunction. And stroke, you know that it is of two types. It can be ischemic stroke and it can be hemorrhagic stroke. और जब भी patient stroke आपके पास आता है, you have to differentiate between whether it is ischemic stroke or hemorrhagic stroke, because दोनों की treatment and management different होती है. ठीक है, अगर आप ischemic stroke जो है उसको आप जो है hemorrhagic stroke की line पे treat करना शुरू कर देते हो, तो क्या होता है कि वो इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है वो हेमोरेजिक में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो अब आपको पता है जब भी पेशेंट की जो है उसको स्ट्रोक होगा, ठीक है, मींस कि उसका जो ब्रेन का पार्ट है जिसका वैस्कुलर सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है, ईदर ड्यू टू इस्कीमिया और ड्यू टू हेमरेज. ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको क्या सिम्टम्स आएंगे, सडन ऑनसेट ऑफ ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, पेशेंट के घर वाले आके बताएंगे जब आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन ले रहे होंगे, तो पेशेंट आपसे पूछे, जब आप पेशेंट से पूछेंगे पेशेंट्स के बारे में, उसके घर वालों से पूछेंगे कि क्या हुआ, तो बताएंगे कि उसको बेहोशी की हालत में है, बात सही तरीके से नहीं कर रहा. ठीक है, होश में नहीं है, मतलब टोटल अनकॉन्शियस नहीं है, लेकिन कॉन्शियस है. उसका GCS ड्रॉप हुआ होगा. ठीक है, तो GCS हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ड्रॉप. तो सडन ऑनसेट ऑफ ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होगी. और आप पूछोगे कि आपने कोई नोटिस किया कि इसके मुंह का जो है एंगल थोड़ा सा डेविएट किया हो इधर उधर. ठीक है, मुँह टेढ़ा हुआ हो, ये आपने पूछना है. तो बताएंगे हाँ, एक साइड से ना मुंह टेढ़ा हो गया था, डेविएशन ऑफ माउथ टू नॉर्मल साइड. फिर क्या है, यूनिलेटरल बॉडी वीकनेस, मतलब जिस पार्ट ऑफ ब्रेन का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इट विल रिजल्ट इन द वीकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, सो वीकनेस, यूनिलेटरल बॉडी वीकनेस, मतलब अगर ब्रेन की राइट साइड अगर कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो पेशेंट को लेफ्ट साइड की बॉडी वीक फील होगी. ठीक है, हाथ पाँव नहीं उठा पाएगा, उसकी सेंसरी डिसफंक्शन होगी, मोटर डिसफंक्शन होगी. इस तरह से यूनिलेटरल बॉडी वीकनेस, इनएबिलिटी टू स्पीक, वही के बोला नहीं जा रहा. ठीक है, और अप गोइंग प्लांटर्स एट अफेक्टेड साइट. तो आप, आपको पता है कि जब आप उसके प्लांटर्स चेक करोगे तो वो अप गोइंग होंगे. ठीक है, जो साइड इफेक्ट हुई होगी उसके अप गोइंग होंगे. ठीक है, प्यूपल्स में भी अनइक्वल एंड GCS में भी नॉर्मल और रिड्यूस. तो ये जी आपके पास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आ जाती है. जब आपके पास मेडिकल इमरजेंसी में पेशेंट आता है स्ट्रोक का, उसके घर वाले आते हैं, तो वो आपको हिस्ट्री देते हैं. आप पूछते हो क्या हुआ जी, वो बताएंगे कि जी फालज का अटैक हो गया. वो ये बताएंगे कि जैसे उनका एक किस्सा, अचानक काम करना छोड़ गया है. ठीक है, नींद बेहोशी की हालत में है ये. ठीक है, बात नहीं सही तरह से कर रहे, मुंह टेढ़ा हो रहा है. ठीक है, और जी आपको बताएंगे कि फिर जो है आप उसको चेक करोगे. ठीक है, उसके प्लांटर्स देखोगे, वाइटल्स लोगे, उसके प्लांटर्स चेक करोगे, प्लांटर अफेक्टेड साइड का आप गोइंग होगा. ठीक है, GCS नॉर्मल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, प्यूपल्स जो हैं वो मे बी अनइक्वल हो सकते हैं. ठीक है, तो ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आपने अपनी मेडिकल इमरजेंसी की जो फाइल बना रहे होंगे पेशेंट की, वो उसके ऊपर लिखने हैं. फिर इनिशियल मैनेजमेंट. अब जी पेशेंट आपका स्ट्रोक का आ गया, तो सबसे पहले आपने उसको स्टेबलाइज करना है. ठीक है, अगर पेशेंट को एयर वे ब्रीदिंग सर्कुलेशन में मसला हो रहा है, तो सबसे पहले उसको टारगेट करना है, उसको ठीक करना है. फिर उसके वाइटल्स लेने हैं. ठीक है, उसका BSR लेना है. ठीक है, कि ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है, मे बी उसका जो है BSR की वजह से कुछ हो. उसकी हिस्ट्री में आप उसके मेडिकल हिस्ट्री ले लोगे. पहले तो फॉलेज का अटैक नहीं होता, BP शुगर का मसला तो नहीं है. ठीक है, ISD की हिस्ट्री तो नहीं है, उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री, ये सारा कुछ आपने ऑब्वियसली हिस्ट्री में ले लिया. ठीक है, तो अब जब आप उसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत ले लोगे, मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट ड्रग हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, तो अब आप उसको स्टेबलाइज करने के बाद उसके वाइटल्स लोगे. ठीक है, और BSR चेक करोगे. अगर जो वाइटल्स में BP जो है ना वो हाई आ जाता है, तो फिर आप ऑब्वियसली सोचोगे कि जो है ना अब मतलब उसको हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक हुआ है. ठीक है, तो इट मे बी
हाँ, ड्यू टू हाइपरटेंशन मोस्टली यही होता है कि हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, ठीक है। बीपी एकदम से हाई होता है तो ब्लड वेसल फट जाती है, ठीक है, और हेमरेज हो जाता है ब्रेन में। तो बीपी आपका देख लिया अब आपने, ठीक है। अब थोड़ी सी बात है कि बीपी जो है अगर 220 से ज़्यादा है तो अर्जेंट जो है ना, 220 सिस्टोलिक से ज़्यादा है तो अर्जेंट आपने सीटी स्कैन करवाना है ब्रेन का, ठीक है। अभी आपने पेशेंट को सिर्फ स्टेबलाइज़ किया, आपने उसको कोई मेडिसन्स नहीं दी, ठीक है। उसकी एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन मेंटेन किया, उसको स्टेबल किया है, उसकी वाइटल्स ली हैं, ठीक है। और अब आप जी वाइटल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बीपी 220 से ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो अब आपको पक्का लग रहा है स्ट्रोक का कोई इशू है, ठीक है। तो अब आपने जल्दी से उसको सीटी स्कैन के लिए भेज दिया, ठीक है। सीटी स्कैन के लिए भेज दिया जी, उसके घर वाले कहेंगे जी हम तो आए हैं, हमारा इलाज करो पहले, ठीक है। क्या हमें सीटी स्कैन करवाने भेज दिया, उसको बताओ कि जी जिस्म का जो है, दिमाग का जो है, वो हम पहले देखेंगे कि क्या मसला है उसकी, फिर हम उसका इलाज शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर तो सीटी ब्रेन अभी नॉर्मल आ रहा है या उस आपको इन्फार्क्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट कैसा नज़र आता है कि आपको वहाँ पे हाइपोडेंस एरिया नज़र आता है, ठीक है। तो अगर तो हाइपोडेंस एरिया है तो वो इनफैक्ट है, अगर नॉर्मल है तो इनफैक्ट है, तो आप इसके भी एक स्ट्रोक सोचोगे। लेकिन अगर आपको वहाँ पे ब्लीड नज़र आ जाता है, हाइपरडेंस एरिया है, तो फिर आप हेमोरेजिक स्ट्रोक सोचोगे, ठीक है। अगर तो नॉर्मल है या फिर आपको जो है वो इनफैक्ट नज़र आ रहा है तो इस्कीमिक स्ट्रोक सोचोगे। अगर आपको वो ब्लीड नज़र आ रहा है तो फिर आप उसको हाइपरटेंस एरिया नज़र आ रहा है तो फिर आप उसको जो है हेमरेजिक स्ट्रोक सोचोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैंने साइड पे लिखे हुए हैं, वो आपको नज़र आ रहे होंगे कि जी अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इफेक्ट होती है तो लेग्स एंड आर्म्स की वीकनेस में जो लेग्स हैं उनकी वीकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी में आर्म्स की वीकनेस ज़्यादा होती है और डोमिनेंट हेमिस्फेयर की अगर इन्वॉल्वमेंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक राइट हैंडेड पर्सन है जो राइट हैंड से लिखता है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फेयर होगा, तो अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है तो पेशेंट को एफेजिया होगा। अगर पेशेंट की पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है तो पेशेंट को मैकुलर स्पेयरिंग होमोनिमस हेमेनोपिया होगा, ठीक है, नज़र में प्रॉब्लम होगी। और जी ब्रेन स्टेम की अगर इन्वॉल्व होगी तो क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया होगा, ठीक है। तो ये जो है ना आपकी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है कि जी पेशेंट बता रहा है कि जी उसके टांगे ज़्यादा वीक हैं या उसके आर्म ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं या क्या सीन है, उसे एफेजिया हो रहा है या उसको जो है उसको क्या इशू आ रहा है, ठीक है। एफेजिया हो रहा है या उसको जो है होमोनिमस हेमिनोपिया है, तो उसकी आप उससे आप ये डिटेक्ट करते हो कि जी पेशेंट की कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है, कौन सी आर्टरी में जो है इस्कीमिया या हेमरेज हुआ है, ठीक हो गया। अब जी हम सबसे पहले देखेंगे इस्कीमिक सीवीए, ठीक है। अगर जी आपको आपने पेशेंट को स्टेबल कर लिया, उसके वाइटल्स ले लिए, ठीक है, और आपने उसको सीटी स्कैन के लिए भेज दिया, इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग स्ट्रोक, आपको सीटी स्कैन नॉर्मल मिल गया या आपको उसमें इन्फार्क्ट मिल गया, ठीक है, तो आपने सोचना है इस्कीमिक सीवीए, तो फिर जी आपका ट्रीटमेंट कैसा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करोगे तो जी उसको आईवी लाइन पास करो, कि डबल आईवी लाइन पास करो उसको जी, ठीक है, और साथ ही जो है ना उसके ब्लड सैंपल्स भेज दो, ठीक है, उसकी सीबीसी बीएसआर लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि आपने चेक करना है उसको हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया की तो नहीं है, क्योंकि बाद में आप डिस्चार्ज मेडिसिन में उसके स्टेटिन ऐड करोगे या साथ ही स्टेटिन ऐड करोगे उसकी एडमिशन मेडिसिन में, ठीक है। एमआरआई करवाओगे, ठीक है, उसकी ईसीजी इको देखने के लिए कि उसको अगर इस्कीमिया हुआ है, ब्रेन में आके कोई आर्टरी ब्लॉक हुई है तो वो कहाँ से आया थ्रोम्बस, ठीक है, हार्ट में से तो नहीं आया, तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल का थ्रोम्बस तो नहीं है जो ब्रेन में आ गया, तो उसके लिए आपने इको करवा ली, ठीक है। कैरोटिड डॉपलर आप बाद में जब पेशेंट स्टेबल होगा तो ये आप देखोगे कैरोटिड स्टेनोसिस देखने के लिए कि वो कितनी है, ठीक है, ताकि आप बाद में उसकी प्लान करो कि आपने बाद में कैरोटिड आर्टरी के साथ क्या करना है, उसको खोलना तो नहीं उसकी स्टेनोसिस को, ठीक है, तो ये आप बाद में करते हो। लेकिन बेसलाइंस आपने करवा ली, लिपिड प्रोफाइल करवा ली, ईसीजी इको जो है वो आपने प्लान कर ली कि जी पेशेंट को स्टेबल करके करवानी ही करवानी है, ठीक है। ट्रीटमेंट
ठीक है, अगर तो अब इस्कीमिया हुआ है पेशेंट का, ठीक है, एक आप सोचो जैसे कि एक हार्ट अटैक होता है, ठीक है, उसमें भी यही होता है ना कि कोई भी वेस्कुलर सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो जी उस पार्ट ऑफ ब्रेन जिसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए काम करेगा, और जब उसको बहुत टाइम हो जाए वैस्कुलर सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुए हुए, तो अब जी एक टाइम आएगा कि वो काम करना छोड़ देगा, वो परमानेंट डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये हार्ट में भी सेम यही होता है और जी आपके ब्रेन में भी सेम यही होता है, ठीक है। तो अगर तो पेशेंट सिम्टम्स ऑनसेट के 3 से 4.5 घंटे के अंदर अंदर आपके पास आ गया, तो फिर जी आपका ट्रीटमेंट होगा TPA, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि उस आर्टरी जो कि ब्लॉक हुई हुई है उसको जाके खोलेगा, ठीक है। तो अगर तो उसके लिए मतलब ये आप TPA करते हो, ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास है अल्टीप्लेज 0.9 mg/kg मैक्सिमम 90 kg तक, 10% डोज एज बोलस ओवर 1 मिनट एंड रेस्ट ओवर 1 आवर। मतलब अगर आपके हॉस्पिटल में TPA अवेलेबल है तो यू विल गो फॉर दैट, ठीक है। अगर TPA अवेलेबल नहीं है तो जी उसको रेफ़र कर दो, ठीक है। अगर तो वो 3 से 4.5 घंटे के अंदर अंदर आपके पास प्रेजेंट किया है, ठीक है। लेकिन अगर है जी डिलेड प्रेजेंटेशन, तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है, फिर आपने बीपी चेक किया। अगर आपको जो है सिस्टलिक ब्लड प्रेशर 220 से ज़्यादा मिला है, तो फिर आप उसको इंजेक्शन लेबेटालोल दोगे 20-40 mg IV स्टैट इन 10 cc नॉर्मल सेलाइन। बीपी को आपने 170-200 के दरमियान में रखना है, इससे ज़्यादा कम नहीं करना, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा कम करना शुरू कर दोगे तो हेमरेज हो सकता है, ठीक है। तो इन फर्स्ट 72 आवर्स यू विल कीप द बेबी बिटवीन 170-200, नॉट लेस देन दिस, नॉट मोर देन दिस, ठीक है। और फिर 72 आवर्स मतलब तकरीबन 3 दिन के बाद आप उसका बीपी जो है वो 140/90 से लेस का टारगेट रखोगे, ठीक है। तो अगर तो पेशेंट टाइम पे आ गया 3 से 4.5 घंटे के दरमियान, तो आप जी उसको TPA दोगे, ठीक है। अगर डिलेड प्रेजेंटेशन है, फिर आप उसका बीपी चेक करोगे, अगर 220 से ज़्यादा है तो लेबेटालोल का इंजेक्शन लगाओ, उसके बीपी को ले के आओ 170-200 के दरमियान में, फर्स्ट 72 आवर्स तक में इतना ही बीपी रखना है, और उसके बाद आपने उसका बीपी जो है वो 140/90 से कम रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने उस एंटी प्लेटलेट्स देने हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो आर्टरी इस्कीमिया की वजह से ब्लॉक हुई हुई है उसको खोलना है, ठीक है। तो यू विल गिव टैब डेस्प्रिन 300 mg/oral stat, ठीक है, एक गोली 75 की है तो 4 गोलियां लग जाएंगी, ठीक है। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट, स्ट्रोक का पेशेंट अगर उसका गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट नहीं है, तो आप उसको NG ट्यूब डालोगे, ठीक है। साथ में जी आप उसको जो है कैथेटर पास कर दो, एंटीकॉगुलेंट्स विद हेल्ड फॉर 14-21 days इफ़ लार्ज इंफार्क्ट, ठीक है, और डुअल एंटीप्लेटलेट्स व्हेन माइल्ड स्ट्रोक, ठीक है, और हाई रिस्क TIA, TIA होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। ये जो स्कोरिंग है, ये आपने अपने फाइनल ईयर में पढ़ी होगी, ABCD2 स्कोरिंग और ये सारा कुछ, तो वो बता रहे हैं कि डुअल एंटीप्लेटलेट्स आपने कब देने हैं पेशेंट को, ठीक है, तो ये जो है ना तब देने होते हैं, ठीक है। इसमें डुअल एंटीप्लेटलेट्स में फिर आप क्या देते हो, टैब लो प्लेट प्लस होती है, ठीक है, 75/75 की पर ओरल ओडी, ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। और क्या ऐड किया, स्टेटिंस आफ्टर 48 आवर्स ऑफ सिम्टम ऑनसेट, ठीक है, शुरू में आपने स्टेटिंस ऐड नहीं करने होते, 48 आवर्स मतलब 2 दिन के बाद आपने स्टेटिंस ऐड करने हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है अटोरवा स्टेटिन का या रोजोरवा स्टेटिन का। अटोरवा स्टेटिन में आप क्या देते हो, टैब अटोवा देते हो 80 mg/oral HS,
ठीक है, लोकोल के नाम से आपके पास आती होगी, ज़्यादातर यही यूज़ होती है, लोकोल 80 mg पर ओरल एचएस, ठीक है। और जोरवास्टैटिन, ठीक है, टैप रोविस्टा या रोविरोस के नाम से आती है 20 mg की पर ओरल एचएस, ठीक है, मतलब कि ये रात के वक्त देनी होती है स्टेटिंस, ठीक है, क्योंकि स्टेटिंस का जो काम होता है ना वो रात के वक्त ज़्यादा अच्छा होता है, इस वजह से रात को स्टेटिन एक खिला देनी होती है, ठीक है। इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है। इसके अलावा नर्सिंग केयर, फिजियोथेरेपी, जो उसका साइड वीकनेस हुई हुई है उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, इंटरनल न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, एस्पायरेशन एंड बेड सोर प्रिवेंशन, ठीक है। एस्पायरेशन के लिए आप पेशेंट को बताओगे, पेशेंट के घर वालों को, एक तो एनजी पास करोगे, गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट नहीं है, और दूसरा अगर गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट है तो फिर आप उसको, अगर उसके घर वाले ओरली खिला भी रहे हैं तो उनको कहना है कि उठा के बिठा के, ठीक है, फिर खिलाना है, लटा के नहीं खिलाना, ठीक है। पोस्चर चेंज 2 आवर, ये आपने नोट्स में लिख देना होता है, प्लान में लिख देना होता है, ठीक है। तो क्या समझ आई आपको इस्केमिक स्ट्रोक? इतना ही था। इस्केमिक स्ट्रोक में आपके पास ये है कि आपने बेसलाइन तो भिजवानी है, लिपिड प्रोफाइल ECG को प्लान कर लें, ठीक है, और जी आप कैरोटिड डॉपलेट की प्लानिंग कर लें बाद में, ठीक है जी। आपके पास क्या है कि सबसे पहले पेशेंट को स्टेबल वगैरह करके फिर आपने उसको अगर पूछा कि ऑनसेट सिम्टम्स ऑनसेट का कितना है, अगर तो 3 से 4 घंटे के दरमियान में है तो आपने उसको क्या किया, TPA लगवा दिया। अगर ज़्यादा टाइम हो गया उसका BP चेक करो, अगर तो ज़्यादा है तो लेबेटालोल लगा लो। BP कितना रखना है, 170 to 200 इन 72 आवर्स, और नेक्स्ट जो है वो 140 by 90 तक, ठीक है। फिर टैप डिस्प्रिन दी आपने उसको, ठीक है, 300 mg पर ओरल स्टैट में, ठीक है। NG ट्यूब पास की अगर गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट नहीं है, उसको एंटीकोकलेंट्स आपने विदहेल्ड कर दिए अगर वो ले रहा था, एंटीप्लेटलेट्स डुअल कब ऐड करने हैं वो हमने देख लिए, ठीक है, जिसमें लो प्लेट आप ऐड करते हो। स्टेटिंस कब स्टार्ट करने हैं पेशेंट के, 48 आवर्स के बाद, जिसके पास दो ऑप्शंस हैं मैंने आपको बता दिए, साथ में नर्सिंग केयर, फिजियोथेरेपी, पोस्टरल चेंज, एंट्रल न्यूट्रिशन, एस्पायरेशन प्रिवेंशन, बेड सोर प्रिवेंशन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है, वी हैव द हेमरेजिक CV। हेमरेजिक CV में क्या होगा, पेशेंट को ज़्यादा, देखें अब जो ब्लड वेजल है ना वो एक तरह से फट गई है, उसमें सारा ब्लड बाहर आ गया है और जो ब्रेन का एरिया उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ठीक है। तो पेशेंट को क्या होगा, सडन ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें आपके पास वॉमिटिंग, हेडेक, फिट्स, फोकल डेफिसिट भी हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस वही हैं, बेसलाइंस करवा लो, CBC, प्लेटलेट, APTT, TPTT, जिसमें आपके LFTs, RFTs, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन आ जाएगा, हेपेटाइटिस के वो सारी वायरल मार्कर, सारा कुछ बेसलाइंस होगी, फिर CT ब्रेन आपने पहले ही करवा लिया था, CTA और MRI, ठीक है, एंजियोग्राफी करवा ली। मेडिकेशंस क्या हैं, अब जी हेमरेजिक CVA में आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसमें तो ये था ना कि इस्कीमिया में आर्टरी ब्लॉक हुई हुई थी, उसको खोलने के लिए TPA चाहिए था, ठीक है, और फिर हमने BP के ऊपर देखा डिलेड प्रेजेंटेशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने BP उसका कम रखना है, उसमें कितना रखा था इस्कीमिक CVA में पहले 72 घंटों में जो है आपने कितना रखा था, ठीक है, 172 to 200, ठीक है, यहाँ पे आपने, और बाद में आपने उसका 140 by 90 रखा था, यहाँ पे आपने पेशेंट का BP रखना ही 140 by 90 है शुरू से, ठीक है। तो IV लिबेटालोल या निकार्डिपिन आपने लगाया, इंजेक्शन लिबेटालोल 20 to 40 mg का, ठीक है, IV इन 10 cc नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, हो गया। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, ट्रीट द कोगलोपैथी एंड ब्लीडिंग टेंडेंसी इफ़ एनी, ठीक है, कि आपने चेक करना है कि पेशेंट की ब्लीड क्यों हो रही है, क्या मसला है, कोई कोगलोपैथी तो नहीं है, PTA, PTT, INR से वो आपको पता चल जाएगा, अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसको आपने चेक करना है, ठीक है। और इसके अलावा न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन के वो जो ब्लड इकट्ठा हुआ है, एक कॉल टू न्यूरोसर्जरी लिख दें, ठीक है, और जी न्यूरोसर्जरी वालों को एक दफ़ा बुला के दिखा दे CT स्कैन के वो अगर इतना ब्लड हो कि किस एरिया पे है, साइट ऑफ ब्लड क्या है, कितना है अमाउंट ऑफ ब्लड कितना है, और वो ड्रेनेज हो सकती है, एवैक्यूएशन हो सकती है, पॉसिबल है, तो एक दफ़ा उनसे कंसल्ट करवा लें, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, हाइड्रेशन, ठीक है, पेशेंट को आपने 1 to 1.5 लीटर IV फ्लूइड्स देने हैं, ठीक है,
अगर पेशेंट को हेडेक, वॉमिटिंग, एडिमा इस तरह के साइंस आ रहे हैं तो आपने पेशेंट का ये सोचना है कि उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ है, तो आपने उसको मैनिटोल लगवाना है। इंजेक्शन मैनिटोल 150 ml IV TDS 3 days के लिए, ठीक है। अगर पेशेंट को फिट्स हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है एवरेज में फिट्स होते हैं, तो फिर आप उसको एंटी एपिलेप्टिक्स दोगे। एंटी एपिलेप्टिक्स में क्या है, लेवे ट्रेसेटम, ठीक है, जिसमें आता है इंजेक्शन लेरेस, 500 mg IV BD या वेलप्रेट होता है। वेलप्रेट आपके पास ज़्यादातर यही दिया जाता है, मैं भी यही देखती हूँ वार्ड में। इंजेक्शन एपिवॉल 500 mg IV BD, ठीक हो गया। नर्सिंग केयर, बाउल एंड ब्लैडर केयर। तो हेमरेज स्ट्रोक की समझ आई, पेशेंट यहाँ पे इस्कीमिक स्ट्रोक से थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, फिट्स के साथ आ सकता है, वॉमिटिंग, हेडेक के साथ, ठीक है, और फोकल डेफिसिट्स के साथ आ सकता है, ठीक हो गया। तो आपने इसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आया कि जी BP आपने इस्कीमिक स्ट्रोक में 172/200 रखा था पहले 72 घंटों में, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग से ही 140/90 तक रखना है, लेबिटल और लगा लो या निकार्डिपिन लगा दो। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की है कि डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे कोगलोपैथी को आपने रूल आउट करना है। PTA, PTT, INR बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना कि कहीं वो तो नहीं डीरेंज जिसकी वजह से हेमरेज हो रहा है। फिर न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास वहाँ पे हेमरेज है क्या उसको बाहर ड्रेन किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ICP रेज होने का बहुत खतरा होता है, क्योंकि ब्लड आया हुआ है बाहर तो वो ICP रेज कर सकता है, तो उसके लिए मैनिटोल आपने लगाना है कि नहीं वो आपने डिसाइड करना है। और जी फिट्स पेशेंट को अगर पड़ रहे हैं तो आपने उसको एंटी एपिलेप्टिक्स देने हैं। एपिवॉल याद कर लें, 500 mg डोज याद कर लें, BD में लगवाना है उसको, इंजेक्शन मस्ट एंड मस्ट, ठीक हो गया। नर्सिंग केयर वही है, बाउल एंड ब्लैडर केयर वही है, ठीक है, और जी उसके बेड सोर्स प्रिवेंशन वही है, एस्पायरेशन प्रिवेंशन वही है। फिजियोथेरेपी वेरी मच इंपॉर्टेंट, पोस्चर चेंज पेशेंट के घर वालों को बताना है कि हर 2 घंटे बाद पेशेंट को आपने उल्ट पल्ट करना है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू मैनेज अ पेशेंट ऑफ स्ट्रोक इन द मेडिकल इमरजेंसी, दिस इज़ ऑल अबाउट इट।